अगर सबसे पहले गुडलक वर्ल्ड कप के लिए और सात मैचेस के लिए, उससे पहले हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी और मुतद्दिद वर्ल्ड कप जो है मैचेस हुए, भारत के खिलाफ जो मैच होता है उसका सुपर चार्ज वोल्टेज होता है पाकिस्तान के, वैसे तो हर मैच इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इस मरतबा क्योंकि हमने देखा है कि बड़े क्लोज मैचेस अकेला एक प्लेयर अपने हाथ से निकाल के पाकिस्तान के हाथ से निकाल कर अपने भारत के ले जाते विराट कोहली, इसको पकड़ने के लिए इस मरतबा क्या प्लान है? क्योंकि जब वो पकड़ा जाता है, जब वो आउट होता है, उसके बाद 75% पाकिस्तान के हक नहीं है, दूसरी टीम के हक में मैच खेला जाता है, इस मरतबा खासतौर पर उसके क्या एक मतलब ये है? देखें, जब भी आप खेलते हैं ओपोनेंट के साथ, आप कोई ना कोई प्लान लेके चलते हैं, और हमेशा यही होता है कि हर टीम के अगेंस्ट, ये नहीं कि सिर्फ एक टीम के एक बंदे के अगेंस्ट आप प्लान करते हैं, आप हमेशा हर टीम के जो 11 साइड होती है, आप उनके साथ बैठ के आप प्लानिंग करते हैं, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, आपने हर चीज़ की प्लानिंग करनी होती है। अब न्यूयॉर्क में हो रहा है उसकी, वहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो कंडीशंस मिलेगी, वहाँ पर क्या जो है वो हमने उस चीज़ का मंगाया कि वहाँ पे क्या बिहेव करेगा पिच, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल, देखें वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और कोशिश करेंगे कि अपनी बेस्ट पॉसिबल जो प्लानिंग हो उसके अगेंस्ट करें। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। बात यह है कि इस वक्त तो मौका नहीं है कि आपसे तनकीद की बात की जाए, लेकिन कुछ जो तनकीदी लोग हैं उनके जहनों में सवाल आ रहे हैं, मसलन गैरी क्रिस्टन साहब कोच हैं, आप तो अभी आपने बात की है कि हम ऐसे करेंगे, विराट कोहली बहुत तगड़ा प्लेयर है, गैरी क्रिस्टन की जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो जब 2008 में इंडिया में कोच आए थे तो उस धोनी का प्रॉब्लम आ रहा था बैटिंग का, कोहली का आ रहा था, ईश्वर का आ रहा था, तो उसने आगे पीछे बैटिंग लाइन की। अगर कहीं वो आपसे गैर मकबूल बातें आपसे करते हैं, मनवाना चाहते हैं या कहते हैं कि भाई आप ऐसे कर लें, आप ऊपर निकल चले जाएँ, आप नीचे आ जाएँ, साइन को रिजवान के साथ खिला लें, तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि आप ऑन कर लेंगे इसको? और दूसरा ही बता दीजिए कि ये मत कीजिए, देखें ये मेरा मानना ये है कि ये पर्सनल गेम नहीं हो रही, जो टीम के लिए बेस्ट होगा उस पर हम बैठ के बात करेंगे और उस पर हम लबैक करेंगे, ये नहीं है कि ये मेरा या उसका या सैम का रिजवान का सदाब का, ये चीज़ नहीं है, जो टीम के लिए बेस्ट होगा, जो टीम के लिए बेस्ट बैटिंग लाइनअप होगी, जो टीम के लिए बेस्ट बॉलिंग लाइनअप होगी उसके साथ जाएंगे, क्योंकि ये जब आपने ये चीज़ें ऐसे वर्ल्ड कप जीतनी होती हैं तो ये यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो चीज़ें आपको एक साइड पर रखनी पड़ती हैं, और जब भी आपको ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको टीम गोल फर्स्ट रखना पड़ता है, और टीम की जो रिक्वायरमेंट, कोच की रिक्वायरमेंट, हमारी गैरी से इंडिविजुअल बात भी हो रही है, हमारी एज अ टीम भी बात हुई है, काफ़ी वो कीन है और एक्सपीरियंस बहुत है उसका, जिस तरह आपने बात की, आपने इस आपके सवाल में से मैं निकाल रहा हूँ कि उसका एक्सपीरियंस बहुत है, तो वो इतना जो मेरी उससे डिस्कशन हुई है उतना उसको पता है कि हम क्या, हमारी क्या लाइनअप है और हम किस तरह खेल रहे हैं। अगर आपके अगर कह रहे हैं तो जो टीम के लिए बेस्ट होगा वो पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। सही बात है जी बाबर, माशाल्लाह तमाम खिलाड़ी जो हैं वो फिट होते जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, बल्कि गॉर्डन हाउस हो गया, बाबर आजम जो है वर्ल्ड कप खेलने के बाद अब राशिद बाद मैच्योर हो गया है, टीम मैच्योर हो गई है, बैकिंग भी इस दफा पीसीबी की जाना से बेहतर मिल रही है, तो इन सारे इन्वायरमेंट में आप कौन को क्या होप देते हैं? देखिए होप हमेशा रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए और एज अ टीम हम कोशिश करते हैं कि उस होप को पूरा करें, उस जो भी फैंस की जो ख्वाहिश है उसको हम कोशिश करते हैं कि
मैच जिता के अच्छी परफॉर्मेंस दे के उनकी चेहरों पर खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही ये एक चीज़ है जो सबको पूरी कौम को एक पेज पर लाती है क्रिकेट। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है कि यार सारी दुनिया पाकिस्तान स्पेशली हमारे फैंस लोग जब भी मैच होते हैं तो वो आके सब एक पेज पे होते हैं, दुआ करते हैं कि यार जीत जाए। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपना 100% दें और इंशाल्लाह होप जो है वो हमारी हमारी तरफ से ये है कि पॉजिटिव रखें, दुआ करें कि इंशाल्लाह हम जीतें और अपनी जो एफर्ट है वो पूरी करेंगे। सही बात बाबर, गुड लक आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज के लिए, उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए भी। 9 तारीख को पता चलेगा कौन जीतेगा वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगा। लास्ट जो हमने सीरीज देखी है उसके अंदर रोटेशन पॉलिसी बेन स्टोन्स को आप लोगों ने यूज़ किया है, क्या आप इस सीरीज में भी बेन स्टोन्स को यूज़ करके अपनी एक बेस्ट 11 बनाएंगे वर्ल्ड कप के लिए? देखें रोटेशन, अब रोटेशन के लिए अब मेरे ख्याल से टाइम कम है क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे, और अभी जितने मैचेस भी होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जिस टीम के साथ हमने खेलना है वर्ल्ड कप के लिए उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, कॉम्बिनेशन जो भी हमारी बॉलिंग की कॉम्बिनेशन है बैटिंग की कॉम्बिनेशन है वो हम सॉर्ट आउट करेंगे और कर लिया ऑलमोस्ट, और उसको हम लेके चलेंगे। अभी जितने भी मैचेस हैं हम वो है जो हमारी बेस्ट स्ट्रेंथ होगी उसके साथ जाएंगे। हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्ते, की हाल चाल है तुहाडा? हाँ जी, तुसीं बाबर आजम दी इंटरव्यू देख लई होनी है जिहदे विच उन्होंने विराट कोहली विरुद्ध उन्हों आउट करन दा कोई प्लैन बनाया होगा। चलो लैट्स सी, देखते हैं 9 जून नूं कीहड़ी टीम जित प्राप्त करती है, इंडिया के पाकिस्तान। तुसीं दसो दोस्तों तुहाडे हिसाब नाल कीहड़ी टीम ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤੂਗੀ? ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।